हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इनसाइट। सो नाबार्ड से वैकेंसी है, परमानेंट पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है एंड सैलरी जो होगा पर मंथ वो आपका 1 लाख होगा। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है, पोस्ट जो है वो असिस्टेंट मैनेजर के लिए पोस्ट है। सभी पोस्ट जो है ग्रेड ए लेवल का पोस्ट है यहाँ पे एंड ऑफिसर लेवल का पोस्ट है। सैलरी भी काफ़ी अच्छा है आपको, परमानेंट पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है एंड इंडिया पोस्टिंग जो होगा अक्रॉस इंडिया में नाबार्ड का ब्रांचेस है, तो आपको अक्रॉस इंडिया में पोस्टिंग भी हो सकता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करूँ मैं तो एनी ग्रेजुएट यहाँ पे एलिजिबल है, बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू पीएचडी होने से भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये सब आप देख सकते हो, पूरा डिटेल्स में देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट को। यहाँ पे आप देखो कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए पोस्ट है, ग्रेड लेवल ए का जॉब है एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन है यहाँ पे एंड आपका जो स्टार्टिंग डेट है, स्टार्ट हुआ एप्लीकेशन 2 सितंबर से एंड 23 सितंबर उसका लास्ट डेट है अप्लाई का। बाकी आगे देख लेते क्या क्या इंपॉर्टेंट, हाँ इंपॉर्टेंट डेट मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि ये 23 सितंबर जो उसका लास्ट डेट है। यहाँ पे प्रिलिमिनरी फेज में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, देन आपको ये टेंटेटिवली 16 अक्टूबर में होने वाला है आपका एग्ज़ाम एंड बाकी डिटेल्स भी देख लो आप यहाँ पे। हाँ यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हो कि वैकेंसी सब कैटेगरी में डिवीजन है कितना है। जनरल पोस्ट के लिए यहाँ पे आप सभी अप्लाई कर सकते हो, एनी ग्रेजुएट टोटल 77 पोस्ट है यहाँ पे एंड बाकी अदर्स सब्जेक्ट के लिए डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि बाकी सारा फिनांस, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, ये सभी फॉरेस्ट्री, सो फूड प्रोसेसिंग, इन सभी रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट जनरल में एनी पोस्ट ग्रेजुएट या तो एनी ग्रेजुएट अप्लाई डाल सकते हो, 77 पोस्ट के लिए आप सभी अप्लाई कर सकते हो एनी ग्रेजुएट। बाकी आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मास्टर्स या तो ग्रेजुएशन होना है, देन आप अप्लाई कर सकते हो ये सभी पोस्ट के लिए, फूड प्रोसेसिंग, स्टेटिस्टिक्स, देन मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया स्पेशलिस्ट, ये सब पोस्ट के लिए। सो नंबर ऑफ वैकेंसी भी आप देख सकते हो, जो टोटल वैकेंसी 150 है, काफ़ी ज़्यादा ही है, आजकल बहुत कम ही वैकेंसी निकलता है। सो कैटेगरी भी, रिजर्वेशन भी यहाँ पे है एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स में बोल देता हूँ। हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो रिजर्वेशन भी कुछ है यहाँ पे, आप लोग देख लेना या अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो। एंड देन इम्पॉर्टेंस बहुत लंबा 31 पेज का ये नोटिफिकेशन है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम लोग देख लेते हैं। बाकी अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको पूरा डिटेल्स में देख लेना है यहाँ पे। हाँ एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, एलिजिबिलिटी क्या होगा, तो जनरल पोस्ट के लिए देख सकते हो कि यहाँ पे एनी बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री होने से आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपका 60% मार्क्स होना है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, यहाँ पे फर्दर डिवीजन गया है, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको 55% मार्क्स होने से ही चलेगा, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 50% मार्क्स। अगर आपका पास सीए सीएस ICWA का डिग्री हो तो आपको कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, PhD होने से भी आपको कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। तो आपका पास PhD हो तो आपको कोई बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री में कोई परसेंटेज का इशू नहीं आता है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो तो 55% से चला हो जाएगा, SC रिजर्वेशन में आते हो तो 55% से होगा, 50% से हो जाएगा। अगर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक डिसिप्लिन वाले हो तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना, आप अगर कोई फ्रेंड्स है तो उसका साथ भी शेयर कर दो, स्पेसिफिक डिसिप्लिन वाले से शेयर कर सकते हो यहाँ पे, फॉरेस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, स्टेटिस्टिक्स, इन सभी डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी यहाँ पे। बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि आपका जो यहाँ पे सेलेक्शन होगा, हाँ यहाँ पे आपका सेलेक्शन जो होगा वो आपका कंप्यूटर टेस्ट हो, फर्स्ट आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, देन मेन होगा, देन इंटरव्यू होगा। ये प्रोसेस आप, हाँ एज रिलैक्सेशन भी आप लोग देख लो, एज में आपका 21 ईयर मिनिमम है एंड 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है। सो एज रिलैक्सेशन भी है, लाइक OBC के लिए 3 ईयर्स, SC ST के लिए 5 ईयर्स एंड अदर्स भी है, यहाँ पे आप लोग देख लेना PWD के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 फेज में होगा सिलेक्शन प्रोसेस। फर्स्ट आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, कॉमन जो जनरल नॉलेज एंड आई इंटेलिजेंट टेस्ट के लिए होता है नॉर्मली, सो सभी सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में रहेगा एंड 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेन टेस्ट, मेन एग्जाम होगा, मेन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा ग्रेड ए के लिए ऑफिसर के लिए मेरिट लिस्ट वाइज, एंड देन आपका इंटरव्यू होगा। मेन एग्जाम के लिए भी सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है, आप लोग देख सकते हो इसको, PDF का लिंक एंड वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लूँगा, आप लोग देख लेना। देन आपका इंटरव्यू जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा, ये भी इंटरव्यू आपका हिंदी या इंग्लिश में आप इंटरव्यू दे सकते हो। देन बाकी खास इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे, हाँ सिलेबस आप लोग देख लेना, सिलेबस में क्या क्या है। सो स्पेसिफिकली रूरल डेवलपमेंट, सोशल इशूज़, एग्रीकल्चर रिलेटेड इशूज़, हाँ ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपको।
सो 23 सितंबर के पहले आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका लिंक जो है वेबसाइट में प्रोवाइड किया गया है। अगर कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन जानना है आपको तो इस मेल एड्रेस में आप मेल कर सकते हो। बाकी एग्जामिनेशन फीस भी है, आपको फीस भी डालना होगा कुछ यहाँ पे फीस। हाँ यहाँ पे कुछ, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम सेंटर सभी स्टेट में रहेगा लगभग, यहाँ पे आप सभी स्टेट में सेंटर है। लाइक अपना अपना स्टेट देख लो एंड अपना अपना सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे फीस भी है एग्ज़ाम के लिए, तो फीस आप लोग देख लेना कौन सा एग्ज़ाम कैटेगरी के लिए क्या क्या फीस है। मैक्सिमम एससी एसटी ओबीसी के लिए आई थिंक, एससी एसटी के लिए आई थिंक 150 फीस देखा था एंड हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो फीस। सो फीस एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए यहाँ पे आप 150 फीस डालना है। अदर्स मीन्स ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी के लिए 800 होगा। एंड स्टाफ अगर कोई है या नाबार्ड में काम कर रहा है तो उसके लिए कोई फीस नहीं है, एट द डेट आपको डालना है। बाकी आपको हाँ सैलरी जो बोला था इंपॉर्टेंट, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो पे स्केल जो होगा वो काफ़ी आपका बढ़िया पे स्केल है। सो यहाँ पे लास्ट सेंटेंस अगर देखोगे आपको तो एट प्रेजेंट इनिशियली मंथली ग्रॉस अनाउंसमेंट आर अप्रोक्सीमेटली 1 लाख। तो मंथली आपको अप्रोक्सीमेटली 1 लाख सैलरी मिलेगा एंड यहाँ पे स्केल भी है तो आप काफ़ी सारे अलाउंसेस भी मिलेगा आपको, DA देन हाउस रेंट ये सभी ग्रेड अलाउंसेस ये सभी आपको मिलेगा एज पर नाबार्ड का रूल्स होगा। तो उसका मुताबिक आपको NPS आपका रहेगा। यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका यहाँ पे बोल दिया गया है, फर्स्ट आपको एप्लीकेशन रजिस्टर करना है, देन आपको पेमेंट फीस करना है, देन फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। बाकी आप कैसे क्या अपलोड करना है ये सब डिटेल्स आप देख लेना, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग जाके PDF को पूरा अच्छे से पढ़ लो अप्लाई करने के पहले। ऑनलाइन अप्लाई करना है एंड परमानेंट पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट है, तो कोई अगर एलिजिबल है इंटरेस्टेड है डेफिनेटली अप्लाई करो। सोशल वर्क वाले नाबार्ड में अगर काम करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप अप्लाई करो। रूरल डेवलपमेंट वाले भी कर सकते हो यहाँ पे। सो बेस्ट विशेस सभी को, थैंक यू। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।